तो गाइस इंडियन बैग धम 3D में बन चुका है फिरंगी के घर के सामने बड़ा सा रेलवे स्टेशन। इसमें दिया गया है काफी सारे पार्किंग एंड काफी सारे ट्रेन न्यू इसमें ऐड किया गया है। और इस वाले रेलवे स्टेशन का इंडियन बैग धम 3D का सिटी का सबसे विशाल एंड बड़ा रेलवे स्टेशन बनने वाला है। और इसमें फ्रेंकलिन भी काम करता है जो कि झंडा दिखा के ट्रेन रोकता है एंड झंडा दिखा के ट्रेन चलाता है। और मजे की बात इसमें ये है कि ये बिना हवा में पटरी चलता है, मतलब हवा में ट्रेन चलता है। यार तो फाइनली गाइस मेरा काम इजीली खत्म हो चुका है, काफी सारे मेहनत लगा काम में। आज हम बॉस को शिकायत किए तो इसलिए हमें सवेरे छुट्टी दे दिया कंस्ट्रक्शन एरिया में। तो बॉस मेरा इतना ज्यादा खराब आदमी है ना कि काम को दिन भर काम करा था और दिन भर का मात्र कम पैसा होता, तो भाई साहब ये गलत बात है। आज बॉस की डायरेक्ट जाके शिकायत करी, अरे ये क्या बन रहा है, ये तो कुछ कंस्ट्रक्शन ऐसे काम लग रहा है, आज जाके नजदीक में देखना पड़ेगा। अरे ये तो कंस्ट्रक्शन काम है और मेरे एरिया में हमको ही नहीं पता कि कंस्ट्रक्शन एरिया मेरे घर के पीछे बना रहा है। तो भाई साहब फिर आपसे जाना पड़ेगा न्यूज़ देखने। तो ऑलराइट गाइस हम न्यूज़ देखने काफ़ी जाते हैं और जहाँ ये सब घर गिर गया तो मेरे घर में कुछ इफेक्ट पड़ सकता है, मतलब तो फिर आपसे जाना पड़ेगा, हम अपन घर मतलब मेरा घर जाना पड़ेगा एंड टीवी निकाल के देखना पड़ेगा तो क्या हो रहा है इस सिटी में। अगर भाई लोग चैनल पे नहीं तो भाई लोग सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें, बिना टाइम वेस्ट करते हो भाई लोग, क्योंकि ऐसे आप लोगों को मज़ेदार वीडियो लाता रहता है। तो गाइस अभी हम इस वाले बाइक को ईजिली घर में घुसा देंगे बिना टाइम वेस्ट करते हुए। ये ले मेरा ZX निंजा, तो भाई साहब ZX टनर, तो भाई साहब थोड़ा फिर न्यूज़ देखते हैं सिटी में हो क्या रहा है। गाइस हमको कुछ पता नहीं है, देखते हैं। अरे ये क्या हो रहा है, अरे भाई साहब ये तो बिल्डिंग को तोड़ के एक न्यू रेलवे स्टेशन बना रहा है इस सिटी में। तो गाइस हमें तो प्रॉपर जाना पड़ेगा रेलवे स्टेशन, क्योंकि हम पूछने वाले हैं क्या ये सब काम बंद करा सकते हैं कि नहीं, तो हमें जल्द से जल्द जाना पड़ेगा रेलवे स्टेशन, नहीं तो मेरा ये प्यारा सा घड़िया टूटता हुआ नज़र आएगा। तो हमें जल्द जल्द जाना पड़ेगा, क्या हमारा घर बच सकता है कि नहीं, तो हमें रेलवे स्टेशन से बात करना पड़ेगा एंड तभी मेरा कुछ होगा, नहीं तो इजीली नहीं हो पाएगा, बहुत ज़्यादा मुश्किल एंड होने वाला है। तो प्राप्त करते हैं अपन रेलवे स्टेशन के मालिक से बात करते हैं ऑफिसर। तो प्राप्त से एक रेल तो यहीं लगा है, मतलब एक रेल तो यहीं लगा है। तो प्राप्त से रेलवे स्टेशन पर बात करते हैं क्या बोलता है, तो प्राप्त से देखते हैं क्या बोलता है। बोल रहा मैनेजर भी मिल चुका है, इससे हम सारे बात पूछने वाले। अरे भाई क्या इस वाले सिटी को रेलवे स्टेशन बनने से मना कर सकते हो कि नहीं भाई? इसने बोला कि हम तो कुछ नहीं कर सकते हैं, हम तो इतने बड़े ऑफिसर हैं नहीं कि हम एक सिटी को बंद करा सकते हैं एंड एक रेलवे स्टेशन को चलता हुआ बंद करा सकते हैं, लेकिन हम एक कुछ कर सकते हैं, मतलब हम मालिक के होने का बावजूद हम तुझे काम दिला सकते हैं। इसने बोला कि यही काम है, 3 टेस्ट देने वाले हैं, एक भी टेस्ट पास कर गया तो हमें इन तीनों में एक मतलब पोस्ट देगा, मतलब हमारी नौकरी कन्फर्म है। तो पहला काम है कि हमें रेल चलाना, मतलब रेलवे चलाना, क्या हम रेल चला सकते हैं, चलिए देखते हैं। ये डला हम ब्रेक एंड ये हुआ हॉर्न डाल के धीरे धीरे आगे बढ़ाते थे, ये चलती छुप छुप गाड़ी से। और गाइस मेरा ट्रेन भी चल चुका है धीरे धीरे से, बस कुछ ना हो जाए, बस यही बड़का दे रहा है भाई साहब, धीरे धीरे ट्रेन जा रहा। अगर भाई लोग चैनल पे हो तो भाई लोग सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें प्रॉपर से। तो ऑलराइट गाइस काफ़ी दूर भी, ओ भाई काफ़ी दूर नहीं, थोड़ा सा दूर आगे है, तो आगे तक तो ठीक चल रहा है। आगे तो रोड है, रोड पे कैसे ट्रेन चलेगी? अरे भाई अरे 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 भाई सब ये तो रोड पे ट्रेन चले, अरे कोई कंट्रोल करो, हेलो हेलो भाई मदद करो, हेलो आज तो गया साला ही रेलवे स्टेशन के मालिक से गया भाई साहब, हेलो हेलो। तो फाइनली गाइस हमारा ट्रेन रुक चुका है, तो अभी हम रेलवे स्टेशन से दूसरे टेस्ट के लिए तैयार है जो कि एक इंजन को बोगी से जोड़ना है। तो देखते हैं फ्रेंकी जगह अपना रेलवे स्टेशन से एक इंजन चालू करने वाला है और उस वाले डिब्बो को, मतलब इंजन और डिब्बा को जोड़ना है। तो ये सब फ्रेंकी कर सकता है कि नहीं, चलिए देखते हैं। तो ये पीछे बैक किया एंड ये बैक करने के, अरे अरे भाई तो चम्मुक में सटा रहा है फ्रेंकी, ये सब नहीं हो पाएगा तुमसे, क्योंकि ये जो चम्मुक से नहीं सटना पड़ता है, इसमें करी दिया गया है, करी से फंसा के रखना है। तो ये टेस्ट लगता है हमें कर नहीं पाता है फिरंगे, देखते हैं यार फिर से बैग ले रहा है, अरे देखते हैं यार कुछ करो यार फिरंगे। तो इस वाले भी हार गया, मतलब इस वाले भी टेस्ट फेल हो चुका है। अभी तीसरा टेस्ट दिया गया है जो कि इसके ही मेरे ही बरोबर दिया गया, मतलब मेरे ही औकात में है। तो इस वाले तो अभी बताया नहीं गया है, तो इसने बोला कि झंडी ले गया जो कि है पेट्रोल पम्प के छत पर ऊपर, तो चलते हैं। और दूसरे है एक एयरपोर्ट के छत पर ऊपर, तो प्रॉब्लम है
इस दोनों झंडे कनेक्ट करते हैं। हमें लगता है झंडी दिखाने वाला है, तो देखते हैं क्या बनाता है। तो हमें जो काम दिया गया है वो तो हमें करना ही पड़ेगा गाइस। देखते हैं भाई लोग क्या होता है। अगर चैनल पे नहीं तो भाई लोग सब्सक्राइब करें। और डाल गाइस हम पेट्रोल टैंक भी आ चुके, तो अभी हम कुछ करने वाले, मतलब इस वाले ऊपर जाने के लिए तो कोई तो रास्ता लगाना पड़ेगा, मतलब कोई तो एक दिमाग लगाना पड़ेगा। तो इसके लिए हमें एक रेम चैलेंज लगाते हैं, मतलब इस बार है ना ये थोड़ा देर के लिए हम इसमें रेम चैलेंज फिट कर देते हैं। तो R1 डालेंगे तो एडजस्टर में इजीली रेम आ जाएगा। तो हम डालते हैं R1, तो एडजस्टर में डालते हैं R1। तो R1 डाल के मेरा एक रेम भी आ चुका है। अभी अपना जी बैगन फ्राक से अपना जंप मारा के एंड हम चला जाएंगे पेट्रोल पम्प के छत के ऊपर। तो अपना जी बैगन तैयार है। मैं तो ब्रांड न्यू जी बैगन लिए थे तो इसी काम में आ जाए, क्योंकि पैसा असूल तो सब असूल। तो राइट गाइस अपना जी बैगन घुरा के अपना जोर सा जंप मरा के एंड अभी हम लेके जाने वाले हैं छत के ऊपर, मतलब पेट्रोल पंप के छत के ऊपर। तो ये मारा जंप, अरे भाई, और अरे भाई काफ़ी सारे मुश्किलों के बाद ये झंडे मिल भी गया। तो हमें पूरा चलना पड़ेगा दूसरा झंडे कलेक्ट करने के लिए, जो कि है एयरपोर्ट के छत के ऊपर। तो सब छत के ऊपर दिया गया है, इसलिए हमें काफ़ी ज़्यादा मुश्किल दिया गया। अगर चैनल पर वाले सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बिना टाइम वेस्ट करते हुए, क्योंकि आप लोग वीडियो देखते हो सब्सक्राइब करो। अरे भाई अरे 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 मेरा जी बैगन, अरे भाई चखना चोर होगा। कोई बात नहीं, इसका इंश्योरेंस है, इसका इंश्योरेंस क्लेम करा देंगे, कोई दिक्कत की वाली बात नहीं। तो फटाप से अरे वोट गाइस, मतलब एयरपोर्ट भी आ चुके हैं, अभी हम इसके जाने वाले छत। तो इसके लिए हम एक लेके आ चुके हैं, जो कि मैं जेट पैक भी लेकर आ दिए। मेरा गाड़ी में एक दो को जेट पैक पड़ा रहता है, तो देखते हैं सही है कि तो उड़ जा। अरे भाई उड़ जा जेट पैक, धोखा मत। तो उड़ा गया इस, मेरा जेट पैक भी उड़ चुका है। अभी हम पेड़, मतलब एयरपोर्ट का छत के ऊपर जो ये सवारी देख रहे हो, इसी बारे पर मेरा पास एक झंडी है, तो फिर से यहीं पर लैंड करते हैं। ये लैंड हो जाए, इसकी मार्की ये हो जाए। तो उड़ा गया इस, लैंड भी हो चुका है। तो अभी हम देखने वाले हैं कहाँ दिया गया है। और राइट गाइस दूसरे झंडे भी मिल चुका है, हमारे नौकरी तय होने वाला है, क्योंकि हम इस वाले टेस्ट को भी पार कर दिए हैं। तो हमें जैसा लगता कि हम फ्लाइंग मेल बनने वाले, तो हमने जैसा सोचा अवसर ही हो गया। हम और राइट गाइस हम एक फ्लाइंग मेल बन चुका, मतलब बन गया हूँ। तो अभी हम अपना एक सरकारी नौकरी भी हो चुका है, तो हमें खुशी खुशी जाना पड़ेगा अपना घर के तरफ, क्योंकि दुखी से आज नहीं जाना पड़ेगा। आए थे दुखी से लेकिन जाएंगे खुशी। तो हमें कुछ टेस्ट देना पड़ेगा। तो ये लिया लाल झंडी, रुक जा, अरे भाई रुक जा। तो ट्रेन ये हुआ हरा झंडी, तो अभी हरा झंडी से चलेगा ट्रेन। तो राइट गाइस मिला भी टेस्ट भी। इस एक मंथ के बाद फाइनली अपना रेलवे स्टेशन हो चुका है अपना रेडी, एंड एक महीने के बाद इतना बड़ा रेलवे स्टेशन, जो कि इंडियन बैकडेम दिल्ली में कभी भी नहीं देखा। और इसमें न्यू भी तीन तीन ट्रेन ऐड किया गया है, एंड ब्लू एंड हरा भी एंड येल्लो भी दिया गया है। एंड इसमें एक बड़ा सा स्टॉपिस एंड भी दिया गया, मतलब पार्किंग इतने बड़े हैं, एंड बसों बस एंड टोटो रिक्शा। मेरा घर के जितना भी पेड़ पौधा था, जैसे कि देखा मेरे घर जो आस था उसके पेड़ पौधा सब कटा दिए, क्योंकि जो रेंट एंड लगा सकते हैं तो उससे भी कुछ अर्निंग कर सकते हैं। तो इसलिए अपना घर का पेड़ पौधा सब कटा दिए, बिल्कुल ही फ्रेश रखने वाले। पहला ट्रेन रवाना हो चुका, तो चलो टू वन टू रेडी। तो फिर पहला ट्रेन भी रवाना हो चुका है भाई साहब, मज़ा आ गया मुझे कि दो दो ट्रेन एक बार में रवाना किया गया, काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया। तो अभी हम वेट करते हैं आने का। तो एक ट्रेन भी आ गया, रुक जा, अरे रेड झंडी लगे। तो एक ट्रेन भी आ चुका, लेकिन एक ट्रेन कहाँ गया? अरे भाई पहले वो ट्रेन गया था एंड बाद में लगता कुछ सिग्नल का प्रॉब्लम होगा, तो हमें वेट करना चाहिए, ये अकवाना नहीं चाहिए, हमें वेट करना चाहिए। तो काफ़ी देर भी हो चुका है, अभी तक कोई भी उस ट्रेन का पता आता नहीं चला है, एंड रात भी हो चुका है। अभी हम रेलवे स्टेशन में ही घूम रहे हैं, यार कब आएगा वो ट्रेन। हाथ में लाल झंडी लेके खड़ा हूँ, कुछ आराम कर लेता हूँ घर जाके, तब देखते हैं कुछ सिग्नल का प्रॉब्लम होगा। तो अभी हम घर जाके इजीली आराम करते हैं भाई साहब, बहुत ज़्यादा थक गए यार खड़ा होते होते। तो अभी हम चलते हैं घर के तरफ, कुछ बेड में आराम कर रहे भाई। कहाँ चला गया वो ट्रेन यार, अभी तक आया नहीं। अरे कुछ आवाज़, अरे अरे भाई, अरे यार हमने तो झंडा दिखाई ही नहीं। अरे गया नौकरी मारे।